हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज दोस्तों पढ़ते हैं औसत का पार्ट नंबर 3, क्रिकेट पर आधारित जो सारे प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों का अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्रिकेट पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, देखो दोस्तों क्रिकेट पर आधारित जो क्वेश्चन है वो चुटकियों के अंदर हल करते हैं। दोस्तों देखो अपने पास क्वेश्चन क्या है। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 19 पारियों में कुछ औसत रन बनाए। पता नहीं था उसने कितने रन बनाए, लेकिन उसने कुछ रन निश्चित बनाए या कुछ रन बनाए, औसत रन बनाए तथा 20 पारी में 100 रन बना दिए, जिसने उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है। तो इसने बताया, पूछा है 19 पारी में क्या रन बनाए। तो दोस्तों अपने क्वेश्चन ध्यान रखते, इसकी ट्रिक में लिख देता हूँ आपके पास में, या अपने पास निश्चित पारी का औसत, निश्चित पारी का औसत बराबर दोस्तों क्या होता है, बनाए गए रन माइनस दूसरी पारी, अर्थात क्या बोल सकता हूँ, कुल पारी बराबर औसत में वृद्धि तथा कमी। ये अपने पास इसकी ट्रिक होती है। तो लेकिन इसको बेसिक कंसेप्ट करते हैं दोस्तों। बेसिक कंसेप्ट क्या है, 19 पारियों का औसत निश्चित था। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप लिखता हूं दोस्तों, मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। 19 पारी का जो योग है अपन लिखते हैं, औसत निश्चित था तो अपन क्या करते हैं, माना औसत क्या है अपने पास, एक्स है। तो 19 पारी का जो योग है, योग क्या होता है दोस्तों, योग होता है औसत गुणा संख्या, क्योंकि राशियों का योग राशियों की संख्या मैंने बताया था पार्ट नंबर। तो योग आ गया 19 गुणा में एक्स, अर्थात 19 एक्स क्या आ गया, योग आ गया। 19 पारी में जो रन बनाए थे उनका योग कितना आ गया अपने पास, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या था, 19 एक्स आ गए। फिर इसने क्या, 20वीं पारी में 100 रन बना दिए, जिससे उनका औसत क्या हो गया भाई, था 4 बढ़ गया। इसका मतलब 20वीं पारी में, कौन सी पारी में, 20वीं पारी में कितने रन बनाए इसने, 4 रन और बना दिए। इसका मतलब औसत 20वीं पारी का रनों का योग, किसका योग, रनों का योग, अर्थात 20वीं पारी थी, 20वीं पारी में औसत क्या बढ़ाता, 4। पहले औसत कितना था, एक्स था, अर्थात एक्स प्लस कितना हो गया, 4। इन दोनों से 20वीं पारी और 19वीं पारी में जो रनों का योग था उसमें कितना डिफरेंट है, 100 रन और बना दिए। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में अंतर कितना अपने पास, 100 का है, कितना है, 100 रन का है। अर्थात मैं बोलूँगा 20 गुणा में इसको क्या, 20 एक्स माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 19 एक्स, अर्थात दोस्तों बराबर कितना आ गया अपने पास, 100 आ गया। यानी 20 पारी का जो 19 पारियों का योग और 20 पारियों के रनों का योग का जो डिफरेंट है वो कितना है दोस्तों, 100 है। तो अपने पास कितना आ गया, इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, 20 एक्स आ गया। ये कितना हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा अपने पास, 80, और ये कितना हो जाएगा, 19 एक्स। तो अपने पास ये 20 एक्स और 19 एक्स में से जाएगा, तो कि 20 एक्स में 19 एक्स कितना एक्स बचेगा, 1 एक्स। अपने पास 80 प्लस का इधर किस में जाएगा, माइनस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, एक्स प्लस 80 बराबर, एक्स प्लस 80 बराबर कितना था, 100। एक्स बराबर कितना हो गया, 100 माइनस 80 बराबर कितना आ गया, 20। अर्थात इसने पूछा 19 पारियों का औसत क्या था, तो दोस्तों 19 पारियों का औसत कितना था, 20 था। तो बात करें अपने पर माना कितना माना था, 19 पारियों का औसत कितना माना था, एक्स। इस टाइप से अपन कर सकते हैं। लेकिन इसका ट्रिकली भी देखें दोस्तों, ट्रिकली क्या होता है, निश्चित औसत बराबर, निश्चित यानी 19 पारियों का औसत क्या था, निश्चित कुछ था, इसका निश्चित रन बराबर क्या था, बनाए गए रन। इसकी ट्रिकली देखते हैं दोस्तों, बनाए गए रन, तो 19 पारी का जो औसत है, बनाए गए रन कितने अपने पास, 100 रन बनाए, कितने बनाए, 100 रन बनाए। तो 100 माइनस दूसरी पारी यानी कुल पारी तो कितनी हो गई थी, 20, गुणा में औसत कितना बढ़ गया था, औसत बढ़ गया था 4, तो 4 लिखेंगे। अर्थात क्या करूँगा मैं, 100 माइनस कितना आ गया, 80 बराबर कितना आ जाएगा, 20। अर्थात 19 पारी का औसत कितना था, 20। ये मैंने आपको ट्रिकली बता दिया है, इसका बेसिक कंसेप्ट आपको समझवाना चाहिए, क्योंकि अपने पास ऑफलाइन क्लास लग रही है, इन स्टूडेंट को बेसिक और ऑफ ट्रिकली दोनों बताया जाता है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 24 पारियों का औसत निश्चित है, क्रिकेट के खिलाड़ी ने 24 पारियों का औसत क्या रखा, निश्चित है, निश्चित रखा। 25वीं पारी
25वीं पारी में उसने 90 रन बना दिए जिससे उनका औसत 4 रन बढ़ गया। तो 25वीं पारी का औसत क्या था? तो अपन ट्रिक लिख लेते हैं, पहले बेसिक मैंने बता दिया था। तो अपने पास 24 पारियों का औसत, यानी 24 पारियों का औसत का औसत, 24 पारियों का औसत बराबर क्या आएगा अपने पास बनाए गए रन। तो बनाए गए रन कितने थे? 90। कितना था? 90। बनाए गए रन 90, इसकी शॉर्ट लेना दोस्तों, बनाए गए रन कितने हैं? 90। कुल पारी कितनी हो गई? 25। कितनी हो गई अपने पास? 25। कुल पारी कितनी होगी अपने पास? 25। औसत यहाँ बात करते हैं, दो चार नहीं बढ़ा, इसमें दो बढ़ गया, औसत दो बढ़ जाता है। तो अर्थार्थ कितना कर दिया मैंने? दो। अर्थार्थ कितना हो गया? 90 माइनस कितना हो गया? 50। अर्थार्थ कितना आ गया? 40। तो 24 पारियों का औसत कितना था? 40 था। 24 पारियों का औसत कितना था? 40 था। इसने पूछा 25वीं पारियों का औसत क्या होगा? तो 25वीं पारी का जो औसत है दोस्तों, 24 का कितना अपने पास है? 24 का अपने पास 40। 25 में जाता है तब दो रन बढ़ जाता है, तो 40 प्लस के रूंगा में दो, अर्थात कितना आ जाएगा दोस्तों? 42 औसत आ जाएगा। तो इस टाइप से क्या करते हैं, अपने पास क्रिकेट पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, उनको इस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो दोस्तों, फिर दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट के 10 पारियों में रनों का औसत 32 है। 10 पारियों के रनों का औसत कितना है? 32 है। उस खिलाड़ी ने अगली पारी में रन बनाए जिससे उनके रनों का औसत 4 बढ़ जाता है। तो अगली पारी में कितने रन बनाए? तो देखते हैं दोस्तों, अपन क्वेश्चन करते हैं। 10 पारी का औसत है वो 32 है। तो 10 पारी के रनों का योग वो कितना है? 32 गुणा में 10, अर्थात कितना हो गया? 320 हो गया, क्योंकि औसत पारियों की संख्या दे रखी है, औसत दे रखा है। तो पारियों की जब 10 पारियों का रनों का योग निकालो, 320 हो गया। अगले टाइप से, अगली पारी में उसने रन बनाए जिससे उनके रनों का औसत 4 अधिक है। अगली पारी में जो रन बनाए उनका औसत है वो 4 अंक क्या है? अधिक है। इसका मतलब अगली पारी कौन सी थी? 10वीं। तो 11 पारी में तो क्या हुआ था? 11 पारियों की संख्या कितनी अपने पास? 11। कितनी है? 11। पारी पहले कितनी थी? 10। अगली का मतलब क्या होगा? एक जोड़ देंगे तो अगली कितनी हो गई भाई? 11 पारी है। औसत पहले 32 था, अब कितना हो गया है? औसत पहले 32 था, कितना था? 32 था। अब क्या है? 4 अधिक हो जाता, कितना हो गया? 36 हो गया। 32 प्लस 4 36 हो गया। इसको इससे गुणा करेंगे तो अपने पास देखो, 36 को गुणा करना है 11 से। 36 को 11 से गुणा करते हैं तो 360 10 बार हो जाता है। एक बार गुणा करेंगे 360 में करेंगे तो 360 आ गए, और 360 में 36 जोड़ेंगे, 360 में 36 जोड़ेंगे तो 396 आ जाएंगे। अर्थात इस पारी में, यानी अगली पारी में कितने रन बनाए? अर्थात पहली जो पारी थी 11वीं पारी में क्या बनाया? पहले कितना था? 396 था। 11 पारी में 396, और पहले कितना बन गया था रनों का योग? 320। अर्थात कटेंगे तो कितना होगा? 76 रन बनाए। समझ गए इस चीज को? 10 पारियों का औसत 32 है, तो 10 पारियों का योग कितना होगा? 320। बात करें अगली पारी में 11, अगली पारी कौन सी होगी? 10 के बाद में 11। 11वीं पारी में उसे 4 बढ़ जाए, पहले 32 था, अब कितना हो गया? 36। 32 को गुणा 36 से गुणा 396। इसका मतलब क्या हो गया? 10 पारियों का वो योग तो अपने पास 320, और अपने पास 11 पारियों का योग है 396। तो इस दोनों में डिफरेंट कितना है? 76 रनों का क्या है डिफरेंट। अर्थात अपने पास अगली पारी में कितने रन बनाए? 11वीं पारी में कितने बनाए थे? 76 रन बनाए थे। अगला क्वेश्चन देखो, किसी बल्लेबाज ने अपनी 12 पारी में निश्चित रखा, औसत क्या रखा? निश्चित रखा 13 पारी में
औसत क्या रखा यहाँ पे, औसत रखा, निश्चित रखा, तेरहवीं पारी में 100 रन बना दिए जिससे उनका औसत 3 रन बढ़ जाता है। तो औसत 13 पारी का औसत क्या है, तो 12 पारी का जो औसत था वो क्या है, निश्चित है, पता नहीं है क्या है जो निश्चित है। 12 पारी का औसत मैंने अभी ट्रिक बताई थी, कितने बने रन बनाए भाई, 100। कौन सी पारी है, 13 पारी है, कुल पारी कितनी होगी 13, औसत कितना बढ़ जाता है, औसत बढ़ जाता है 3 बढ़ जाता है, अर्थात 100 माइनस 13 थी 39, 100 माइनस 39 करेंगे तो अपने पास कितने आएंगे भाई, 61 आ जाएंगे। लेकिन 13 पारी में औसत क्या है, तो ये 12 पारी का औसत कितना अपने पास, 61। तो अपने बात करिए 13 पारी का जो औसत है, 13 पारी का जो औसत है वो कितना, 61 प्लस 3 बढ़ गया, अर्थात 3 जोड़ेंगे अर्थात कितना हो गया, 64 औसत है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं अपने पास किसके, क्रिकेट पर आधारित क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ, वो आप करना है दोस्तों।